कोर्ट में जो है फैसला मेरे मेरे लिए आ रहा था, वैसे ही मैं जानती हूँ देर सवेर हाई कोर्ट में भी आएगा, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं जानती हूँ कि वो देर सवेर फैसला होगा, लेकिन फिर समाज के सामने सच्चाई खुल के रखते हैं ना, पीछे से नैरेटिव कुछ और है, आगे से कुछ और है, सब कुछ मैनेज है, क्योंकि मैं तो आज अकेली हूँ यहाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज के बाद मैं जानती हूँ महाशय की सारी टीम जो है वो लग जाएगी इस चीज़ को संभालने में। कई लोग मुझे गालियाँ देना फिर शुरू करेंगे, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब इस बार आप गालियाँ लिखें तो प्लीज़ एक बार अपनी माँ का चेहरा ज़रूर याद रखना, इस बार आप गालियाँ लिखें तो अपनी बेटी का चेहरा ज़रूर याद रखना कि मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। मेरा जब फिज़िकल अब्यूज़ ख़त्म हो गया तो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ शुरू हो गया। मेरी शादी की वीडियोस, मेरी पुरानी नई वीडियोस, जनाब अपने दोस्तों के थ्रू यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं, क्यों, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये एक सभ्य इंसान को शोभा नहीं देता। तो इन दी एंड इस कॉन्फ्रेंस को विराम करते हुए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, आई अपील टू द CM ऑल्सो, इस प्रकार के पावर अब्यूज़ को रोका जाए, झूठे नैरेटिव्स को तोड़ा जाए और मुझे डिग्निटी के साथ जीने दिया जाए, बिकॉज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 वो मैं भी डिज़र्व करती हूँ, मैं भी धर्मशाला से हूँ, मैं भी हिमाचल से हूँ, मैं भी इंडिया से हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अपील।